और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सीधे बड़ी खबर के साथ करते हैं। पंजाब से खबर है, गुरुदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया है। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को खदेड़ा। तलाशी में बीएसएफ को मिला हथियारों का पैकेट। तलाशी के दौरान 4 पिस्टल और 8 मैगजीन बरामद की गई हैं। तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंडिया पर। जरा देखिए तस्वीरों को, जब तलाशी ली गई तो इस दौरान 4 पिस्टल और 8 मैगजीन बरामद हुई है और ड्रोन से निशाना पाकिस्तान का ये कारनामा लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ड्रोन के माध्यम से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही अवैध तस्करी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीएसएफ के जवान मुस्तैद थे और उन्हें इस बात का जब पता चला तो उन्होंने फायरिंग कर ड्रोन को खदेड़ा। लेकिन देखिए इसी बीच जो तमाम कोशिशें यहां से की जा रही हैं और ऐसे में मंसूबे नाकाम लगातार बीएसएफ के जवान कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है बल्कि बात की जाए इसी साल में भी इससे पहले पाकिस्तानी ड्रोन नजर आया है। खासतौर पर भारत पाक बॉर्डर पर ड्रोन की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। पाकिस्तान लगातार नई टेक्नोलॉजी को अब अपना रहा है घुसपैठ करने में। कोशिश घुसपैठ करने की पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही है, लेकिन आप देखिए कि बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की और ड्रोन को खदेड़ा। लेकिन तलाशी जब की गई तो तलाशी में हथियारों का पैकेट मिला। तलाशी के दौरान 4 पिस्टल और 8 मैगजीन बरामद की गई है। अब यहां से देखने वाली बात भी ये भी होगी कि आखिरकार ये ड्रोन जो नजर आया इसे किसने वहां से भेजा था, क्या आसपास बॉर्डर के यहां भी कोई दिखाई दिया। हालांकि खबर गुरदासपुर से है, पंजाब से खबर है और जिस तरह से हमारे जवान सेना के लगातार मुस्तैद हैं एक के बाद एक ये जो कोशिश की जा रही है इसको नाकाम करते हुए हमारे सेना के जवान।